न्यूनतम विचलन कोण पर एपी अपवर्तककल एपी अपवर्तककल पर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस से डेल लैम्डा तरंग दैर्घ्यों वाले प्रकाश पुंज का समतल तरंगाग्र बीडी आपतित होता है। बीडी बस जो चित्र है उसी के कोने में इंग्लिश लिख रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं है। बीडी आपतित होता है इस चित्र में। अपवर्तन के पश्चात लैम्डा प्लस डेल लैम्डा प्लस डेल लैम्डा तरंगदैर्घ्यों के डेल लैम्डा तरंगदैर्घ्यों के पारगमित समतल तरंगाग्र क्रम से CN व CM है। CN और CM ये समतल तरंगाग्र हो गए यहाँ से गुजरने के बाद, तथा डेल वे ओनली डेल है डेल तथा एक पदक दे दिए। अब हम यहाँ पे लैम्डा प्लस ले रहे हैं, ये कर लो डेल प्लस डेल लैम्डा सॉरी डी विचलन कोण बताते हुए तथा देर तथा कहा किया आपने सीएन में सीएम है तो सीएन के लिए तो डेल सीएन के लिए तो डेल और सीएन के लिए डेल माइनस डी डेल होगा ये मान। विचलन कोण बनाते हुए क्यू वे पी पर मुख्य उच्चिष्ट बनाते हैं सारा पित्र जो हमने लिखा
अनुमान है वो इस पूरा चित्र में है। चित्र याद रखना आपने को कि यहाँ से हमने किसी प्रकाश पुंज को समतल तरंगाग्र विधि को किसी प्रिज्म या फिर किसी अपवर्तक सतह बीसी पर आपतित करवाया। आपतित करवाने के बाद में इसमें कुछ अपवर्तन हुआ और हमने इसके आगे दो समतल तरंगाग्र सी एन या सी एम प्राप्त किए। दोनों को जब किसी लेंस पर गिराया या फिर लेंस से गुजारा तो हमें क्रम से क्यू व पी दो उच्चिष्ट प्राप्त हुए। क्यू जो कि सी एन के सापेक्ष प्राप्त हुआ और सी एम जो कि हमें उच्चिष्ट बिंदु की प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये डी ए प्लस एन डी ए प्लस ए एन जो कि लैम्डा के सापेक्ष है तो इसमें जो अपवर्तन अपवर्तनांक है उसका मान भी क्या हो जाएगा। अपवर्तनांक को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं म्यू के द्वारा तो ये हो गया म्यू बीसी। फिर किसके लिए लेना है सीएम के लिए हमें ये पता है कि यहाँ पे लैम्डा प्लस डेल लैम्डा वाई है तो जो अपवर्तनांक है अपवर्तनांक वो इस सीधे से अपोजिट होता है तो इसके कोण में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही कमी उसमें होगी अपवर्तनांक में उसको मैं क्या लिखूंगा म्यू माइनस है डेल म्यू। जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अपवर्तनांक के अपोजिट होता है व्युत्क्रमण कह सकते हैं जिसमें यानी कि म्यू इसमें वृद्धि होगी तो उसमें कमी रहेगी उसमें कमी होगी कमी हमें कहां बताया। तो अब यहां से हमने ये जो मान है एक तो सीएन लिया और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा के सापेक्ष हमने इसका मान म्यू लिया तो इसमें हो जाएगा म्यू माइनस डेल म्यू कमी होगी हमेशा क्योंकि लैम्डा यहां पे वृद्धि हो रही है तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक का मान हमेशा कम रहेगा। इन नाम दे दो सभी नंबर 1 अंदर दो ठीक है 1 माइनस 2 कर दो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए प्लस एन माइनस डी ए माइनस एन बराबर ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू प्लस डी म्यू ब्रैकेट में लगा के सी हां किस किस से होगा हां बस सीमा लगा के सी हो जाएगा सारा मतलब ना जाएगा सी इससे ये कट गया कितना आ गया डेल म्यू बी सी सभी के नंबर सी इसका मान है इससे ये कट गया एन बराबर एन माइनस ए एन माइनस ए एन माइनस एम हो गया। अब यहां पे BC की मार बात करें BC ये हमें कोई जैसे कि अपवर्तक तरंग है उसका मान हमें मानना है A B C D कुछ भी मान लो आपके बुक में ये माना गया है कि माना BC बराबर क्या हो T तथा यहाँ पे हम देख रहे हैं AM और AM इन दोनों के बीच में अपवर्तक की बात करें हैं तो पता अंतर कितना है लैम्डा के सापेक्ष होता है पता अंतर पथांतर लैम्डा के सापेक्ष होता है तो यहां पे हमने लैम्डा मान लिया वो हमें दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू पथांतर भी से कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा तो यहां से हम दोनों का पथांतर निकालेंगे कि an minus am इन दोनों का पथांतर कितना हो जाएगा लैम्डा तो लैम्डा बराबर ये कितना हो गया d mu और d बस ये तो मान इसका प्राप्त हुआ है इसी पथांतर जो लैम्डा है उसका। अब उसके बाद में इसमें क्या है कि किसी अपवर्तनांक जो अपने लैम्डा में परिवर्तन की दर के सापेक्ष इन दोनों में क्या किया कि डेल जो लैम्डा है का भाग दोनों को सम देने का तो लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू डी म्यू अपॉन डेल लैम्डा और पी ये क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इसका मान है वो डेल के पदों में डेल के पदों में बस इसको डेल के सापेक्ष की मान है जो लिख दी है बस उतार लिया। अरे समझ में आया कुछ तो समझ में आया क्या हुआ एक बार फिर से बताऊं क्लियर है कि कोई भी कुछ नहीं है कंफर्म व्यंजन जो प्राप्त किया है वो सीधा है
ये जो मान है बस इसके सापेक्ष दोनों के मान प्राप्त किए, एक में से दो को माइनस कर दो, इससे ये कट जाएगा, ये मान प्राप्त हो जाएगा a माइनस m। और ये जो है a माइनस m वो एक कथांतर का मान है, और कथांतर हमें पता है कि लैम्डा के सापेक्ष होता है, जैसे कि व्यतिकरण विवर्तन उनके सामने में संपोषी प्रमाय लैम्डा बाय पोल का समगुणज रिवर्सल गुणज लिंक प्राप्त किया गया। तो हमें ये याद रखना है कि कथांतर है ऐसा लगभग लैम्डा के सापेक्ष इसका मान ज्ञात करना है, और यहां पे जो कथांतर का मान है वो लैम्डा में पहले से दिया हुआ है, तो बस लैम्डा है वहां पर उस कथांतर की जगह मान रख देना और dμ dot t इसका मान हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में लाइन लिख देना, आगे लास्ट में लगाने को प्रिज्म क्या आधार की चौड़ाई पी, प्रिज्म के आधार की चौड़ाई पी तथा तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष अपवर्तनांक के परिवर्तन की दर की गुणन की कितनी होती है, सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक के परिवर्तन की दर, अपवर्तनांक के परिवर्तन की दर बस वो व्यंजक प्राप्त हुआ उसको शब्द में व्यक्त कर रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं, अपवर्तनांक के परिवर्तन की दर के गुणनफल के तुल्य होती है, कौन होती है वैसे, कौन होती है प्रिज्म की विभेदन क्षमता, ये हमने जो प्राप्त किया है लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा वो प्रिज्म की विभेदन क्षमता है, जो कि अपवर्तनांक में परिवर्तन की दर तथा प्रिज्म की जो चौड़ाई है टी उन दोनों के गुणनफल के तुल्य होती है, बस यही शब्दों में हमने लिखा है। अब इसमें देखो आपके एक दूरदर्शक की विभेदन क्षमता भी है, सूक्ष्म दर्शक की विभेदन क्षमता भी है, तो इन दोनों में डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, याद रखना बस यही है कि दूरदर्शक में क्या होता है कि दो वस्तुएं जो काफी दूर स्थित है, हमें पता होता है कि दो वस्तुएं दूर स्थित है तो वो हमें एक ही दिखाई देती है, है ना, तो उन दोनों में विभेदन यानी कि दोनों को अलग अलग करने की क्षमता ही दूरदर्शक की विभेदन क्षमता कहलाती है। दूरदर्शक में क्या किया जाता है कि इसमें अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस दो होते हैं, जैसा कि सूक्ष्म दर्शी में होते हैं उसी प्रकार से होते हैं उसमें भी, तो वो क्या करती है कि दूरदर्शी होती है जैसे दूर की वस्तु को पास नजर आती है ऐसा होता है उसमें, तो वो है उन दोनों में विभेदन करने की क्षमता क्या कहते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ठीक उसी तरह से